नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल द श्रेयस होम में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बासी रोटी के नूडल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आते हैं। बासी रोटी के नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए बासी रोटी, या फिर आप 2-3 घंटे पहले भी बना के रख सकते हो। इन रोटियों को रोल बनाकर ही रखना है जिससे ये रोल टाइप के बन जाएं। अब इन रोटियों को एक एक करके रोल बनाते हुए इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको पिज़्ज़ा कटर या चाकू की हेल्प से इस टाइप से काट लेंगे। ये देखिए, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप चाकू से भी काट सकते हो। चाकू से भी काट के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इस टाइप से हमारे नूडल्स बन के रेडी हो जाते हैं। नूडल्स बिना मैदे के, बिना बॉयल किए नूडल्स रेडी हो गए हैं। अब इन सारे नूडल्स को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून घी, और इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने अपनी सब्जियां काट के रख ली हैं जो हमारे पास अवेलेबल थी। आपके पास जो अवेलेबल हैं वो सब्जियां काट के रख लीजिए। अब एक फ्राई पैन गर्म करते हैं, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच घी। ये देखिए देसी घी। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून जीरा। अब इसमें डालते हैं 1 पिंच हींग। इसको भुनने देंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसमें 4-5 कली लहसुन की कट करके डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज लंबा कटा हुआ। अब इसमें ऐड करते हैं ये बीन्स 1/2 कटोरी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालते हैं 1/2 कटोरी गाजर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालते हैं 1/2 कटोरी शिमला मिर्च। इन सबको, सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके अब 1 टमाटर लंबा कटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद डालेंगे रोटी के नूडल्स जो कट करके रखे थे हम लोगों ने पहले से। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालते हैं इसमें टमाटो सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और नूडल्स बनके तैयार हो गए। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।